आज की वीडियो में देख रहे हो स्क्रीन पर और एक न्यू ट्रेंडिंग वायरल व्हाट्सएप चैटिंग लिरिक्स स्टेटस वीडियो हम क्रिएट करेंगे। इस टाइप को वीडियो क्रिएट करना काफी ज्यादा आसान है और कम स्टेप में आप क्रिएट कर सकते हो। गाइज अभी के समय में इस टाइप का वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। अगर आपको भी क्रिएट करना है आप अपना फोटो या फिर किसी और का फोटो से तो मेरे इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। सो वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको इनशॉट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। गाइज अगर आपके फोन में इनशॉट एप्लीकेशन नहीं है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना, जो वहाँ आपको इजीली मिल जाएगा। तो देख सकते हैं मैंने इनशॉट एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट पे वीडियो वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलेगा, फोटो वीडियो एंड ऑल। तो सबसे पहले आपको फोटो वाला ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आप अपना खुद का फोटो या फिर किसी और का फोटो को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो चलिए हम फोटो को ऐड कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने देख सकते हो फोटो को ऐड कर लिया हूँ, ठीक है। तो फोटो को कुछ इस तरह से आपको भी ऐड कर लेना है। फोटो ऐड हो जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो ऊपर में टूल्स है, उसके फर्स्ट पे यहाँ पे कन्वर्स वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं आपको सबसे पहले रेशियो को चेंज करना है। फोटो को जो रेशियो आपको 9:16 वाले रेशियो में कर लेना है और आपको ये जो एरो देख सकते हो यहाँ पे 50 कर लेना है कुछ इस तरह से, और फोटो को कुछ इस तरह से आपको सेट कर लेना है, ठीक है। करने के बाद यहाँ पे टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेना है। एंड अब क्या करना है, फोटो का जो ड्यूरेशन आपको लॉन्ग कर लेना है। तो ड्यूरेशन लॉन्ग करने के लिए फोटो के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं अगर आप इस तरह स्लाइड करते हैं तो यहाँ पर ड्यूरेशन लॉन्ग हो जाएगा। अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो यहाँ पर टूल्स को थोड़ा स्लाइड करना है, ड्यूरेशन वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। पेंसिल वाला आइकन में जाना है और यहाँ पर जितना सेकंड या फिर जितना मिनट में आपको वीडियो क्रिएट करना है यहाँ पर आपको लिख लेना है। तो डेमो के लिए हम 20 सेकंड का क्रिएट कर रहा हूँ, तो देख सकते हो ऑटोमेटिक यहाँ पे 20 सेकंड का ड्यूरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। एंड अब क्या करना है, यहाँ पर आपको फिल्टर ऐड करना है, फोटो में फिल्टर ऐड करना है या फिर एडजस्टमेंट कर लेना है फोटो में। तो यहाँ पे फिल्टर वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे एडजस्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और फोटो को हल्का सा आपको एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखते तो मैंने फोटो को एडजस्ट कर लिया हूँ। तो एडजस्ट करने के बाद आप टर्न बिफोर का फोटो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हो चुका है। एंड यहाँ पर आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक करके आगे ना आपको टिक वाला ऑप्शन में टिक कर लेना है, ठीक है। एंड अब क्या करना है, यहाँ पे पीआईपी वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे फोटो वाला ऑप्शन में जाना है और सबसे पहले आपको ये शेडो इमेज को ऐड कर लेना है सबसे पहले। एंड यहाँ पे फुल स्क्रीन पर करना है और इसका जो ड्यूरेशन आपको इस तरह से लॉन्ग कर लेना है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। एंड अगेन आपको यहाँ पे प्लस वाला आइकन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। वीडियो वाला ऑप्शन में जाना है और आपको ये व्हाट्सअप का चैटिंग वीडियो को ऐड कर लेना है। व्हाट्सअप का चैटिंग ये वीडियो को ऐड कर लेना है, फुल स्क्रीन पर करना है, हल्का सा और आपको बड़ा कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, अगेन आपको पीआईपी प्लस वाला आइकन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं आपको ये ग्लिच वाला वीडियो को ऐड कर लेना है, हल्का सा आपको रोटेट कर लेना है इस तरह से। एंड फुल स्क्रीन पर करना है, देन यहाँ पे तो उसको थोड़ा स्लाइड करना है, ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं आपको स्क्रीन मोड में कर लेना है, ठीक है। तो देखते हैं कुछ इस तरह से हो चुका है। एंड जो व्हाट्सअप का वीडियो आप ऐड किए थे उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे ब्लेंड वाला ऑप्शन में जाना है, इसको भी आपको स्क्रीन मोड में कर लेना है। देख सकते हैं कुछ इस तरह से हो चुका है, ठीक है। एंड अब क्या करना है, यहाँ पे फिल्टर वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे एडजस्ट वाला ऑप्शन में जाना है और व्हाट्सअप का जो वीडियो आप ऐड किए थे उस वीडियो को हल्का सा आपको एडजस्ट कर ले, तो इस तरह से हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे आफ्टर एंड बिफोर। एंड यहाँ पर टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेना है। एंड अगेन आपको यहाँ पे प्लस वाला आइकन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। फोटो वाला ऑप्शन में जाना है और आपको ये साइड साइड में जो बॉर्डर रहता है व्हाइट जैसा, उस बॉर्डर को यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। देन फुल स्क्रीन पर करना है और आपको यहाँ पे इसका जो ड्यूरेशन आपको लॉन्ग करके यहाँ पे ब्लेंड वाला ऑप्शन में क्लिक करना है और आपको स्क्रीन मोड में कर लेना है। तो देख सकते हो फाइनली जो मेरा वीडियो है कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो चुका है। एंड अब क्या करना, यहाँ पर टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेना है चुका है। सो चलिए एक बार हम प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस देख सकते हैं मेरा जो वीडियो कुछ इस तरह से बनकर रेडी हो चुका है। सो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लो, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह और भी अमेजिंग वीडियो पाने के लिए, और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा बना है। एंड अब क्या करना है, वीडियो को सेव करना है। सेव करने के लिए ऊपर में सेव वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं फेवरेट इसको 16 करके वीडियो को हाई क्वालिटी में सेव
कर लेना है। तो मेरा जो वीडियो है 7 स्टार्ट हो चुका है और इस वीडियो में जितना भी मटेरियल यूज हुआ है सबका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे होगा, इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।